नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी का शीर्षक है कैबिनेट मिशन। जी हां, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ों को शर्त के मुताबिक भारत को आज़ादी देनी थी, मगर जैसा कि आप लोग जानते हैं अंग्रेज़ों का काम भारतीयों से निकल चुका था और वो भारत को आज़ादी देने के मूड में नहीं थे। इसीलिए उन्होंने भारतीयों के सामने एक गाजर फेंका जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान, ताकि वो चाहते थे कि भारतीय इस प्लान में फंस जाएं और ये जो इंडिपेंडेंस का उनका जो जनसमर्थन है वो डिले हो जाए। तो आज मैं आप लोगों को गुरु घंटाल के माध्यम से इस कैबिनेट मिशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जैसा कि आप लोग को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। अब जब अंग्रेज़ों से ये कहा गया कि आपने जो शर्त रखी थी पहले आप उस शर्त को पूरी कीजिए, मतलब भारत को इंडिपेंडेंट कीजिए, अंग्रेज़ों ने शुरू शुरू में तो नानुकार किया और इसके चलते भारत में पुलिस, आर्मी, टीचर, मतलब कह सकते हैं हर तबके के लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। फिर अंग्रेज़ों ने एक नई नौटंकी शुरू की जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन इंडिया आया, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये कैबिनेट मिशन के बंदे हैं और इधर वाला जो जिससे हाथ मिला रहे हैं वो है आला रे आला जिन्ना, ठीक है। तो तीन बंदे थे, तीन लौंडे थे जो कि ब्रिटेन से आए। पहले का नाम था सर पेथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। दूसरे लौंडे का नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड। और तीसरा अपना जो लौंडा था उसका नाम था अलेक्जेंडर, द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरैलिटी। ये तीनों लौंडे एक कह सकते हैं कि एक कमिटी बनाकर आए जिसका नाम था कैबिनेट कमिटी, ठीक है। मुख्य तीन सदस्य यही थे। और इनका काम क्या था? अब इनसे जैसे ही भारत आए तो पूछा गया भैया का काम क्या है, तो ये कहते हैं कि डिवाइस अ मशीनरी टू ड्रॉ अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हम स्वतंत्र भारत के संविधान को किस तरह बनाया जाएगा उसकी रूपरेखा को तैयार करने के लिए, कह सकते हैं उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं, पहला। दूसरा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसका अरेंजमेंट हम करने आए हैं, सिंपल कह सकते हैं हम कैटरर हैं, ठीक है। बफे सिस्टम होगा कि लोगों को सर्व किया जाएगा, एक सिंपल वाला हिसाब किताब है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट भारत में बनेगी उसके अरेंजमेंट के लिए हम आए हैं, मतलब सारा देश हमारा, सब कुछ हमारा, ये लौंडे तय करेंगे गोरे। अब देखिए, और उसके बाद दो हमारे देश के भी अंदर कीड़ी थी, ठीक है। पहला मोहम्मद अली जिन्ना, उनको बुलाया गया, ये स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे मोहम्मद अली जिन्ना हाथ मिलाते हुए। तो मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी को बुलाया गया और मोहम्मद अली जिन्ना के घनिष्ठ मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुलाया गया, बिकॉज यही दो पार्टी जो थी वो उस वक्त डंडा की पड़ी थी कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। सबको बुलाया गया, कैबिनेट मिशन में कुछ बातें तय की गईं। अब हम लोग उस बातों को जानेंगे। सबसे पहला, द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 प्रपोज दैट देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया विच वॉज टू बी एम्पावर्ड टू डील विद द डिफेंस, फॉरन अफेयर एंड कम्युनिकेशन। कैबिनेट मिशन का जो पहला पॉइंट था वो ये था कि भारत का एक गणराज्य बनेगा, एक कह सकते हैं पूरी की पूरी यूनियन ऑफ इंडिया बनेगी, ठीक है, जो कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन से डील करेगी, उनको ये ताकत दी जाती है। पॉइंट नंबर टू, अभी ये सिर्फ प्रपोजल है। द कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड एन अनडिवाइडेड इंडिया एंड टर्न डाउन द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान। जैसा कि आप लोगों को पता है अपना जो जिन्ना था उसको सिर्फ एक कीड़ी थी, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, लो लेकर उखाड़ लिए आज, ठीक है।
कैबिनेट मिशन जो बुलाया गया वहाँ पर भी एक ही चीज़ रट रहे थे, टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान चाहिए पाकिस्तान चाहिए। लेकिन जो गोरे लौंडे आए थे उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भारत एक कंट्री बनेगी, भारत के कोई टुकड़े नहीं होंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कंडीशन को, इस मिशन को, इस मिशन के पॉइंट्स को मानने से इनकार कर दिया होगा, ठीक है। और इस कैबिनेट मिशन ने यह भी कहा कि कम्युनल बेसिस पे, जातिवाद के बेसिस पर, हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे किसी तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा किसी भी असेंबली में, किसी भी काउंसिल में। इट प्रोवाइडेड दैट ऑल द मेंबर ऑफ द इंटरिम कैबिनेट वुड बी इंडियन एंड देयर वुड बी अ मिनिमम इंटरफेरेंस बाय द वायसराय। अब देखिए चूतिया काटे सब, इन्होंने ये कहा कि आपकी जो कैबिनेट होगी, इंटरिम कैबिनेट होगी, इंटरिम मतलब होती है टेम्प्ररी कैबिनेट होगी, उसमें सारे के सारे भारतीय होंगे और जो वायसराय हैं उनकी पावर बहुत कम होगी इंटरफेरेंस की। मतलब पीढ़ी करनी है, छोटा वाला करो बड़ा वाला करो मैटर नहीं करता, करना है, ठीक है। तो ये एक तरह का कह सकते हैं चूतिया काटने वाला पॉइंट था कि इंटरिम कैबिनेट में सारे के सारे भारतीय होंगे मगर जो वायसराय होगी उसकी कम से कम इंटरफेरेंस होगी। अगला, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी संविधान सभा बनेगी वो पॉपुलेशन मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मतलब जो लोकतांत्रिक तरीका है उसके बेसिस से बनाई जाएगी, ठीक है। इट रिकॉग्नाइज इंडिया राइट टू सीड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। और इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनेगा। आज हमारे विश्व में जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं ये वो कंट्रीज़ हैं जो एक वक्त में यूके की कॉलोनी रह चुकी हैं। ये जो कॉमनवेल्थ गेम होता है ये वही है। द यूनियन गवर्नमेंट एंड इट लेजिस्लेचर वेयर टू हैव अ लिमिटेड पावर डीलिंग विद द फाइनेंस, फॉरन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। मगर जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बन रही थी उनको कैबिनेट मिशन ने बहुत लिमिटेड पावर दी थी। मतलब तीन ही जगह सिर्फ वो डील कर सकते थे, पहला फाइनेंस में, दूसरा फॉरेन अफेयर्स में, तीसरा कम्युनिकेशन में। और ये बात कांग्रेस को नागवार गुजरी। द यूनियन वुड हैव द पावर नेसेसरी टू रेज द फाइनेंस टू मैनेज द सब्जेक्ट। और यूनियन के पास ये पावर रहेगी कि वो फाइनेंस को बढ़ा सकती है, ठीक है, घटा सकती है, ये पावर उसके पास रहेगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेंटर को इतनी कम पावर दे दी कैबिनेट मिशन ने और यही कारण था कि कांग्रेस ने इस कैबिनेट मिशन के प्लान को नहीं माना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए नहीं माना क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया कह दिया गया था, मतलब कि टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ऑल सब्जेक्ट अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट एंड ऑल द रेसिडरी पावर वुड बी वेस्टेड इन द प्रोविंसेस। मतलब कि यूनियन, जैसे कि अगर आज आप लोग पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक उसी तरह 1935 में जब लिस्ट बनाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाया गया था, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन में ये बात कही गई कि यूनियन सब्जेक्ट के अलावा जितने भी रेसिड्यूरी पावर होंगे और जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो किसके ऊपर लाई करेंगे, ये प्रोविंसेस के ऊपर लाई करेंगे, उनका अधिकार प्रोविंसेस के पास होगा। एंड द प्रिंसली स्टेट वुड रिटेन ऑल सब्जेक्ट एंड ऑल रेसिड्यूरी पावर। और जो प्रिंसली स्टेट हैं, जो राजे रजवाड़े थे, उनको सारी की सारी पावर दी गई और सारी की सारी रेसिड्यूरी पावर भी दी गई। मतलब आप कह सकते हैं कि सेंटर से कहीं अधिक पावर किसको दे दी गई, प्रोविंसेस को दे दी गई और प्रिंसली स्टेट्स को दे दी गई। मतलब अगर मैं आज के बारे में बात करूँ तो स्टेट गवर्नमेंट को अधिक पावर दे दी गई एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। The Congress accepted the proposal related to the Constituent Assembly, but since the Muslim League had been given disproportionate representation, it rejected the idea of the interim government. Congress also rejected the idea of a weak center and division of India in small states. Congress was against decentralization and the idea was to have a strong center. जैसा कि मैंने बताया, मुस्लिम लीग ने क्यों इस कैबिनेट मिशन के प्लान को मानने से इनकार कर दिया और कांग्रेस ने क्यों मना कर दिया। तो ये था एक गाजर जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। तो उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैबिनेट मिशन प्लान क्या था। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।